दोस्तों, किस्मत ना इनमें है, ना यहाँ है, ना इसमें है। किस्मत जिसमें है, मैं आपको बता दूं कि देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। और होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में, जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियां अनुकूल रहे या ना रहे, सोच को मजबूत बनाना ही होगा। दोस्तों, आपको लोग डराएंगे, आपको लोग परेशान, जब तक ऊपर वाला मौत ना दे तब तक मरना मत, बस मैं ये कहने वाला हूं। आपको लोग तकलीफ में डालेंगे, आपके घर आएंगे, पंगा करेंगे, तकलीफ में डालेंगे, आंखों में आंख डाल के आराम से बात करना। आपकी मौत की तारीख फिक्स्ड है, जगह फिक्स्ड है, जब तक वो चाहेगा पत्ता नहीं हिलने वाला है। किस्मत अगर बदलनी है तो आज रात को लिस्ट बनाइए, वो कौन कौन से काम है जिनसे मुझे डर लगता है, वो कौन कौन से काम है जिनसे मैं भागता हूं। जो भागता है उसको एस्केपिस्ट बोलते हैं, और जो लड़ता है उसको एनकाउंटर को बोलते हैं। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपकी किस्मत नहीं बनने वाली। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने लड़ाई की, जिंदगी से लड़ाई की, समाज से लड़ाई की, जो मेरे खिलाफ थे उनसे लड़ाई की, तो आज मैं एक अच्छी जिंदगी जी पाया। जो मैं जी पाया केवल मैंने आपसे वही बांटी है, कोई किताब से मैंने आपसे बात नहीं की। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, किताबों में तो ये भी लिखा होता है 2+2 = 4 होते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंट कहता है तेरे को कितना चाहिए ये बता। सीए पूछता है भाई किताबों के हिसाब से 4 होते हैं, तुझे कितना चाहिए वो बता। एक टीचर ने स्कूल में पूछा, एक जगह 10 अगर बकरी बंधी हुई हैं और एक शेर आ जाता है, एक बकरी को खा जाता है, तो कितनी बकरी बची। मैथमेटिक्स में जिसके नंबर तेज आते थे, नो, नाइन। पीछे जो लड़का था कहता एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि जब एक बकरी को खाएगी तो 9 भाग जाएंगी। मैं बकरी पालता हूं, मेरा रोज का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, किताबों से जिंदगी बदलती है, लेकिन अनुभव से ज्यादा बदलती है। इसलिए आज रात को सोने के पहले और इस रूम से निकलने के बाद सबसे पहला धन्यवाद आप किसको देंगे, बताइए। नहीं, सबसे पहला धन्यवाद अपने आप को देना कि आपने निर्णय लिया यहां आने का। सबसे पहला धन्यवाद आप खुद को देना, नहीं, और दूसरा धन्यवाद इस महान संस्था को देना जो लोगों की जिंदगियां बदल रही है, जिसका नाम है मारवाड़ी युवा मंच, और तीसरा धन्यवाद देना उस ईश्वर को जिसकी वजह से हम यहां मौजूद हैं, क्योंकि उसके बगैर पत्ता भी हिलने वाला नहीं। अभी शाम को तेज बारिश आ रही थी जब हम लोग आए थे, ईश्वर ने फिर मामला सेटल किया, हॉल भर गया था और हमने कार्यक्रम शुरू किया। ये सब उसकी बदौलत होता है। एक आदमी पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा है, जिंदगी भर भगवान को नहीं माना, पहाड़ पे चढ़ रहा है, रात को पहाड़ पे टेंट बना के लेटा हुआ है क्योंकि रात को चढ़ नहीं सकता, अचानक टेंट हिलने लगा और नीचे गिरने लगा। आप जिंदगी भर भगवान को ना माने, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो मुंह से क्या निकलता है, या अल्लाह या हे भगवान, जिस भी धर्म को आप मानते हैं। उसके मुंह से भी निकला जब टेंट गिरने वाला, हे भगवान, टेंट रुक गया, आवाज आई, कंफर्म है या डाउट है। भगवान भी तो अपने साथ चालाकी करेगा ना थोड़ा, नहीं, कंफर्म है, तू है, तू ही बचाएगा, मेरा ज्ञान व्यान सब फेल हो गया, भगवान तू ही बचाएगा। तो एक काम कर, कैंची ले और रस्सी काट दे, कैंची ले और टेंट की रस्सी काट दे। बोले क्या बात कर रहे हो, रस्सी काटोगे तो मैं तो नीचे जा, जो कह रहा हूं कर। उसने रस्सी नहीं काटी, -30 degree टेम्परेचर था, सुबह उसकी लाश जमीन से 1/2 feet नीचे पाई गई। अगर वो रस्सी भगवान के कहने पे काट देता तो उसकी जिंदगी बच जाती। ये भगवान है, यही भगवान जो 24 घंटे आपके भीतर से आपको कहता रहता है ये कर ले, ये गलत है, ये मत कर, लेकिन हम उस भगवान को छोड़ के मार्केट के भगवान को अपना भगवान बना लेते हैं, उसको अपना भगवान बना लेते हैं। दोस्तों, 24 घंटे मैं तो हमेशा महसूस करता हूं कि मैं मंच पे जब बोलता हूं मेरी शक्ति है, बिल्कुल नहीं है मेरी शक्ति। जब तक वो नहीं चाहेगा इस गले से बिल्कुल आवाज निकलने वाली नहीं है।
एक शब्द मेरे मुंह से नहीं आ सकता। अगला वाक्य क्या होगा मुझे नहीं पता होता है, अगला एग्जाम्पल क्या होगा मुझे नहीं पता होता है, कैसे मेरे अंदर ऊर्जा आती है मुझे नहीं पता होता है। तब मैं कहता हूं तू आके बैठ जा, मैं तो बस तेरा माध्यम बनना चाहता हूं, सारा काम तू करेगा। तू आके किस्मत राजेश अग्रवाल ने अपनी मेहनत या ट्रेनिंग से कम बदली है, उसके आशीर्वाद से ज्यादा बदली है। एक बार उसमें विश्वास करके देखिए, एक बार डाउट मत कीजिएगा, बस आप डाउट मत कीजिएगा, वो है, वो था, वो मौजूद रहेगा। आपके जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ईश्वर करे आज रात से एक एक कटनी शुरू हो जाए, आने वाले 5 साल में नई किस्मत आपकी बने, आप सफलता के शिखर पे पहुँचें, और जब पहुँचें तो अपने इस भाई को याद जरूर कीजिएगा, एक मेल जरूर कीजिएगा, एक फेसबुक पे मेरे नाम कुछ 2 शब्द जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पैसे तो लेते हैं भाई, हमारी रोजी रोटी है, लेकिन आपसे दुआएं जब मिल जाती है तो हमारी किस्मत और बन जाती है, आपका जब आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारी किस्मत और बन जाती है। तो इस विचार के साथ कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर मारवाड़ी युवा मंच के ऊपर आप सबसे मुलाकात होगी।